हेलो गाइस एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस देखो, आज मैं छुट्टू के लिए टेडी बियर खरीद के लेके आई हूँ। पॉलिथीन में से निकालना है आपको? क्यों, पॉलिथीन में अच्छा नहीं लगता? पॉलिथीन में अच्छा नहीं लगता? चलो लेके भग गया। हाँ अच्छा है, अच्छा है, खेल लेते इससे। हाँ ऐसे फेंकते नहीं है छुट्टू, ऐसे फेंकते नहीं है बेटा, ऐसे फेंक फेंक के खेल रहा है पागल। ऐसे खेलते हैं क्या फेंक फेंक के? चल बेड पे बैठ जा, इसको अपने पास बैठा ले। कैसे फेंक रहा है चनेशे, तो फेंक रहा है, इससे खेल नहीं रहा। देख फेंक फेंक के खेल रहा ऊपर, ऐसे तो टूट जाएगा ये। सीधा पकड़ ऐसे, और ऐसे पकड़ उल्टा। यार ये समझ में आ रही है, सीधा कैसे रही है मम्मी? सीधा सी, मैं सीधा सीधा कह रही कि सीधा पकड़, इसको सीधा पकड़ या उल्टा पकड़। कल का एग्जाम, अब कैसी तबीयत है? अब कैसी तबीयत है? अब ये टुकल का पेपर की तैयारी है, ये ट्यूशन जाएगा? है। पक्को है ना? घर पे पढ़ाई कर जो, अगर ट्यूशन ना जा रहा तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मम्मी ने, मम सफाई कर रहे थे तो मुझे ऐसी चीज दिख गई जो मम्मी ने खुद ने अपने हाथों से बनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो मतलब इसमें कुछ सामान रखा जाता है कि मम्मी एंजॉय किया? पता ना बेटा, मैंने तो वह टाइम मतलब किसी की देखी, सुंदर लगी तो बना ली डेकोरेट के लिए। किसी की देखी जैसे पसंद आ गई, जब फिर खुद का हाथन से बनाई। सारी किसी की देखी, देखी फिर कह तो रही हूँ मैं, पसंद आ गई तो फिर मैंने बना ली जैसे देख के। हाँ सही कह रहा है, जैसे कील वगैरह लगा के डेकोरेट के लिए है ये मकान। ये उस टाइम बनाई थी मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी, रोहन के टाइम बनाई थी, रोहन की प्रेगनेंसी में। ये रोहन ने तो अभी उठ के आज के सिर में दर्द हो रहा था, आज उल्टी भी कर दी थी उसने। और देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये है बंदरवाल। ये जैसे गेट के ऊपर लगाते हैं ना अपन बंदरवाल, देखो इसमें पीछे से फिटते हैं। ये देखो गाइस येलो कलर की एक और है ऐसी, मम्मी ने बनाई है। एक ही लगे शायद बंदरवाल, तो मेरे तो ध्यान और ना, दो है ये। हाँ ये डेकोरेट के लिए ही सब चीजें। हाँ, ये मुझे नहीं पता क्या चीज अच्छी लगती है, ये गोले से। और देखो ये मेरी शादी से पहले बनाई थी मैंने। क्या लिखा? वेलकम वेलकम। ये तो अपने नीचे लगता है कि बंदरवाल की तरह है। ये मेरी शादी से पहले बनाई थी मैंने, अच्छी लग रही है ना? ये मेरी शादी से पहले बनाई मैंने। इसमें दो, ये फ्लावर का शेप दिया बट इसमें दो तीन जो फूल बनाए, ये ऊन से बनी हुई है। ये ऊन से बनाई है मम्मी ने, जितने भी बनाएंगे ना सारी, ये तो ऊन से बनाई है मम्मी ने, पता चल रहा है। ये कुछ आता है ना उससे बनाया, ये डोरी आओ बेटा, ऐसी डोरी ऊन से बनाई, शायद बच भी रहा होगा सामान मेरा पहले का। ऐसे ये किस टाइप के लगाया आपने? ये उसके लिए चाबी वगैरह के छल्लों के लिए, चाबी टका सकते हैं इसमें, इसमें कुछ एक बड़ा भी है इसी का ही। हाँ? दो बना रखे हैं, एक बड़ा और है शायद निकलेगा इसमें। ये रहा ना बड़ा, बड़ा कोई इसी की साइज है ये ना, ये अलग है मतलब डिजाइन बदल गया ये। ये जैसे एक कील लगा दो दीवार पर, फिर वहाँ पे टका दो। कैसे लग रहा है? ये गणेश जी है, ये ना गणेश जी है। ऐसे बहुत सारे बनाया था वह टाइम मैंने, पर्पल कलर। ये देखो एक और, एक यार ये पिच कलर में है, पिच कलर है। देखो इसके आँख है ना जो गणेश जी की, वो कैसी है? यहाँ से यहाँ से यार छल्लो पकड़वा को यार। हाँ
इधर से हाँ, या ऐसे ऐसे, ये तो खुर्सी टाइप का शेप हो गया। वही शेप है, चुट्टू को बैठा ले। चुट्टू को बैठा, मजबूत नहीं है वो, ये फोल्ड करके। और भी कुछ है? यस, ये एक गणेश जी और है, एक और गणेश जी, तीन चार है। कट्टान में भरा और कहीं भरो, ये सब गंगा से गाड़ी आई। यही लग देखो, मैं लग रो या मतलब कम है, इस सारा सामान यही मां से निकलो 11 कट्टा। रुक जा, देखो देखो, तीनों देखो, मैं ऐसे लगे जैसे कम गहरा ये। देखो फिर वो गणेश जी, अब तो ना मंगाऊं, अब ना लाऊं साड़ी, ना साड़ी लाऊं ना बेच लाऊं, बहुत है मम्मा। तो 13 लगा यार, एक बंदरवाल, एक और बंदरवाल। मैं यूं सोच रही एक ही थी, दो है बंदरवाल, अलग अलग डिजाइन की दोनों। बस खत्म, ये सामान भी बच रहे, सामान ना निकलो, सामान गाइस हमारा सामान नए घर में जा रहा है। ये ट्रंक हमने रिता दिया, जो इसमें सामान था पूरा खाली कर दिया ये, और जो इसमें सामान निकला वो इन कट्टों में भर दिया है। ये भर्रा का पैक कर दिया इनमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 और 11 कट्टा होगा, और बाकी का ये बेस वगैरह इसमें रख दिए थैले में। क्या कर रही थी ये थगी में, तो मेरे पास कितने लेंगे? 8 टोटल। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।